क्या रखो यार, बीएसएफ की कोई हद होती है यार। तुम लोग को पता है ये आजाद जानवर है यार, तुम लोग ने क्यों दलील खुद का दलील साथ में इसको भी दलील कर दिया यार। मुझे पता है ये आजाद परिंदा है, इसको पकड़ा नहीं जाता है, इससे गुना मिलता है। और थी, ताकि थी तेरे भाई को पता है, तेरे भाई आज तक बैंक में एटी ग्रेड होने की उम्मीद ही रखी तेरे भाई ने, फिर भी तेरे भाई ने आज तक एटी बेगरने वाला काम नहीं किया जो तू कर रहा है। ये पता है ये आजाद परिंदा, इसको पकड़ना बहुत बड़ा गुना है। अब देख के बेचारा कितना तड़प रहा है, ये चाह रहा है कि मैं बांध दूँ, पर तेरा भाई इसको निकालेगा नहीं। तेरा भाई तेरी आंखें खोलना चाह रहा है, फिर से सुन ले इधर, तेरा भाई तेरी आंखें खोलना चाह रहा है कि ये आजाद परिंदे है, ये सैयद है, इसको पकड़ा नहीं जाता है, इसमें बहुत गुना मिल जाए। ये पता है यही वजह है तू कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये पता है इधर, ये सैयद दाद के होते हैं, ये सैयद दाद के होते हैं, इसमें तू नहीं पकड़ा कर बहुत गुना मिलेगा तुझे। अब देख तेरा भाई पकड़ेगा, होती है समझाने के लिए होती है, ये नोटिस में डालना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा आजाद परिंदा और बड़ी नेकी की दायित्व। अब देखियो तू तेरा भाई इसको किस तरीके से पकड़ेगा, तेरा भाई ने पहले यूँ हाथ डाला, देख लियो। तेरे भाई ने इसको पकड़ लिया है इधर। अब इधर तू देख इसकी टांगे देख कितनी नाजुक है, तुझे पता है इसकी टांगों में फिर भी कितना पावर होता है। इसकी यही टांगों से, इसके यही नखून से ये बहुत सुपर उठ भी सकता है। इसके तू पर देख इधर, बेचारे के भी पर भी नहीं है, तू इसको पकड़ रहा है। यार हैदर तुझे पता है ये आजाद जानवर है, इसको अगर पिंजरे में बंद कर देंगे तो ये कैसा फील करता है, कितना बुरा लगता है इसको। अगर ये सोचते कि तुझे अगर हम पिंजरे में बंद कर दे तो तुझे कैसा लगेगा, तू भी आज़ाद है ये भी आज़ाद है। फर्क है कि तुझे अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, इसको एक परिंदा बनाया है और ये ऊपर उड़ने वाला आज़ाद परिंदा है। और तुझे पता है ये इसको बंद करने में बहुत बड़ा गुनाह मिलता है। तू चाहते अगर इसको मैं उड़ा दूँ और इसको पिंजरे में बंद करूँगा, इसको बेचारा दम घुटेगा, जैसे कि तू भी बंद कर देता है, पिंजरे में डाल देता है, शाम की टाइम में बाजरा खोल देता है कबूतरों को, पर ये सब बेकार है। इसकी सजा मुझे मिली थी, मैंने जो तुझे सफ़ेद वाला नीचे पकड़ के दिया था, मेरे चोट लगी हुई। देख तुझे पता है तेरे भाई ने आज तक तुझे सफ़ेद कबूतर पकड़ के नहीं दिया, पहले पकड़ा था वो तेरे भाई ने खुद से अपने हाथों से उड़ाया था, अब तेरे भाई ने तुझे पकड़ के दिया, वो तेरे भाई ने तुझे दिया और तू लेके गया घर, उसके बाद तू खुद लेके गया, उसने भाई का कोई कसूर नहीं है और उसकी सजा भाई को मिल गई थी। देख भाई के सकम कर ही गई हो, देख रहा है इसके चेहरे देख कितना मासूम है ये, कितना परिंदा अच्छा है ये, देख इसकी सजा तेरे भाई के जख्म को मिल गई थी। देख भाई की टांग में कितना बुरी तरीके से लगा था, और तू जानते है तेरा भाई आज इसको एकदम बुलंदी में जाएगा, सीढ़ी पे चढ़ेगा, तू देखता जा, तेरा भाई चढ़ा गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता। अब तुझे पता है इधर तेरा भाई आज बुलंदी में इसलिए है को मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आजाद परिंदा है, ये सैयद जात के, इसको पकड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। हैदर तुझे पता है कि तू परमिनेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि बी एस सी की बदला मिली हुई है और तूने घर में पकड़ के रखे, तूने घर में भी पकड़ के रखे हैं, तूने घर में भी पकड़ के रखे हैं, ये उसकी बदला है। ये पता है तूने घर पर भी पकड़ के रखे हुए हैं, फिर भी ये तेरी सजा है, ये तेरी सजा है, तूने घर पे ही पकड़े हुए थे। ये पता है ये चीले आ रही है, अपनी माँ की आ रही है चीले, चीले की मैं माँ को लड़ मारूँ, तुम इसको क्यों खा रहे हो, ये आजाद परिंदा है, जैसे तुम हो वैसे यही है, ऐसे करके तुम मेरी गाड़ मार दो, अब तुम लोग इसकी साहब की चूदर में डाल दो कबूतर, कबूतर से ऐसी साफ साफ जात होती है, तुम लोगों को पता है ये आजाद परिंदा है, इसके अंडे छोटे छोटे होते हैं, इसके अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अब तुझे पता है सर तेरा भाई आज के बाद कोई कबूतर नहीं देगा, सुनी देख तेरा भाई आज के बाद तुझे कोई कबूतर नहीं देगा, वो वायर जो कबूतर था वो तेरे आखिरी था, अब तेरा भाई तो उड़ा रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ मेरा भाई।
बिस्मिल्लाह पढ़ियो, तेरा भाई इसको उड़ा रहा है बुलंदी पे, जाके उड़ाएगा तेरा भाई, ये नहीं सोचियो। बोल किस मारे उड़ा रहा है ताकि बुलंदी से और ऊंचा जाएगा मेरे हाथ से, मुझे मुझे बोल इस मारे बुलंदी से उड़ा रहा हूँ ताकि ये और ऊंचा जाएगा और मुझे देख के खुश होगा कि मैंने इसको पकड़ा है, तेरी तरह भगे रखनी है। तेरा भाई इसको इसलिए पकड़ रहा है, इसलिए ऊपर जा रहा है कि ये ओम हो जाए, कि भाई को देखे तो ये पता चले कि भाई ने इसको पकड़ा नहीं था, तेरे भाई ने सिर्फ इसके लिए आज़ाद करा था तेरे भाई ने, और तेरे भाई ने इसको खाली एक इंजॉय करने के लिए, वो हैदर हमारे 3 करोड़ की गाय, कभी 3 करोड़ की गाय बोलता है, कभी 12 करोड़ की गाड़ी बोलता है, कभी बोलते हैं हमारे मेरे दोस्त के पास 300 करोड़ है, मुझे 10 लाख दे रहा था, एक नंबर का बच्चोदा है। बोल तू एक दिन बोलेगा कि मेरे पास याला कबूतर भी पकड़ा हुआ 25 लाख का है, करोड़ों का है, बोल तू यही बोलेगा ना, बोल एक दिन ये भी बोलेगा कि ये कबूतर जो है 25 लाख का लाया हूँ मैं, बोल ये तो आज़ाद होते हैं। मुझे पता है तू एक दिन बोलेगा, मुझे पता है तू झूठा एक नंबर का मक्कार है, तुझे बदला मिली है, तुझे तो परमानेंट नहीं हुआ है। उड़ा दे। एक दिन ये कबूतर आएगा, कबूतर को तू पकड़ेगा, कबूतर को तू बोलेगा कि ये 25 लाख का है, उड़ा देना। अबे उड़ा दे यार, टाइम हो गया, बचपन उड़ा दे जल्दी जल्दी भाई, उड़ा दे तेरा भाई देख इसको ले आया, उड़ा दे उड़ा जल्दी 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 जल्दी, छोड़ दे लचपन, छोड़ दे भाई यार, जल्दी जल्दी उड़ा दे उड़ा दिया, तो बोल दिया दुआ में याद रखना भाई को, भाई की मूवी लेते रहना भाई, नीचे उतरेगा अभी, हटाइयो नहीं अभी यार डायल, तुझे पता है आज तेरे भाई ने बहुत बड़ा सवाब का काम किया है, हैदर ने इतने दलीलत के ही है, इतनी तेज किए तेरे भाई ने, और तेरे भाई से आज जैसा भाई रिटायर होने वाला है बैंक में, मैं जाते जा रहा हूँ तो हैदर को कुछ समझाते हुए जाऊँगा कि इधर आएंगा मेरे जाने के बाद तुझे दी ये खुदा हरकतें नहीं करना जिससे तेरे भाई को बुरा लगे, तेरे भाई की आत्मा को शांति ना मिले, तेरा भाई पिंजरा फिर से रखने जा रहा है, उधर पकड़ेगा फिर से जाल बना रहे भाई, आ जाओ दादा जाओ, बोल फिर से तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा, फिर से तुम लोगों को मैं सबक दिलाऊंगा इसको पकड़ के, फिर से तुम लोगों को मैं सबक दिलाऊंगा इसको पकड़ के, पर तुम लोगों ने तो मुझे दलील करके रखा हुआ, ये कौन सा टाइम है आने का, जब तक मन उठा के आ जाती हो, अब तेरा हाथ आ गया तो यार पिंजरे देखते रहे फिर से रख रहा है क्यों, कि तुम लोगों को बुरा ना लगे कि तुम लोगों ने मेरा टीका खराब कर दिया, मेरा जाल खराब कर दिया, अब भाई तेरा भाई रखने जा रहे इसको, एक बंदा है उसको खाना खाने जाना है, उसकी भी देखनी है, अब तेरा भाई तुझे पता है इधर तू बहुत कंजूस है, अगर तू जाल बिछाता भी है तो बाजरा बहुत कम डालता है, घोसड़ी के ज़्यादा डाला कर बाजरा, घोसड़ी के बाजरा भी कम डालता है, तू लोड़ा मेरा कबूतर आएगा क्या, तुझे बाजरा ज़्यादा डाला कर, पैदा हुआ और भाई ने फिर से शिकंजे पे लगा दिया है, अब हम लोग नीचे चलते हैं, हैदर को समझाएंगे, हैदर के घर में कंप्लेंट करेंगे कि हैदर को आप और हैदर को बोलिए कि ऐसी बेगुदा के ना करे, देख यार ये इन्होंने बनाया है पानी के लिए, ये इन्होंने पानी के लिए बनाया है, पैसे बेगुदा और ऐसे बेशरम है कि इसने पानी भी डालने देखे नहीं है, पानी डालते नहीं है, इसे शोर के लिए बनाया हुआ है, जैसे कि नायगर मोदी बना के समुद्र बना दिया इधर ने, पानी भी नहीं डालते है ना, कुछ करता है कुछ भी नहीं, अब तेरे भाई को जाना पड़ेगा, तेरा भाई थक गया है, तेरे भाई को काम बहुत है, अभी इंग्लिश की फिल्में देखनी है, गरीबों वाली फिल्में देखनी है, और अब तेरा भाई चल रहा है, तेरा भाई ये एक चीज़ सिखाएगा, तेरा भाई एक चीज़ सिखाएगा ऐसी कि ये रेल की पटरी है इस पर तेरा भाई तेरे भी चढ़ चुका है, पर ये नहीं सोचती हो भाई की चप्पल देख ले, भाई के चप्पल ऐसे है कि अल्लाह बचा ये चप्पल से, अब भाई नीचे जा रहा है, बोल मेरा मतलब यही था सबक सिखाने का, मेरा मतलब यही था कि इधर आके खुल जाए और इधर समझ जाए, पर इधर अगर तुझे गैरत है, ये गैरत है तो समझ जाइयो, अगर भाई की बातों का बुरा लगा हो तो भाई माजत चाहता है, अल्लाह हाफिज़, मैं हूँ तिश्ती साहब IAS जनाब।